नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी की सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम योगी और अखिलेश यादव में जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। एक तरफ यूपी की कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी उनको करारा जवाब देते हैं। एक बार फिर से सीएम योगी ने मंच से ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर सपा मुखिया को तीखी मिर्ची लगेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बिना नाम लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले भर्ती के नाम पर प्रदेश में लूट होती थी। भर्तियां निकलने के साथ ही परिवार के सदस्यों की अलग अलग सूचियां तैयार होना शुरू हो जाता था। कोई क्षमतावान युवक नौकरी नहीं पा सकता था। हमने इस पर रोक लगाई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग दुष्प्रचार करते हैं, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने भर्तियों में पारदर्शिता का नियम लागू क्यों नहीं किया। जिन लोगों ने कभी अच्छा काम नहीं किया वो अच्छा होता देखकर दर्द महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा कि गिरोह के लोगों को यदि परेशानी होगी तो गिरोह के सरगना को तो दर्द होगा ही। वो लोग हैं जो गलती करते हैं मगर स्वीकार नहीं करते। इसके लिए पहले उन्हें उनकी फुटेज दिखानी पड़ती है। सीएम ने कहा कि यूपी आज देश के विकास का बैरियर नहीं, ग्रोथ इंजन है। इससे पहले भी सीएम योगी ने अंबेडकर नगर के दौरे पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। सीएम योगी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए होता है, दिल दिमाग चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है 2017 से पहले यहाँ हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। आम जनता की आवाज और गरीबों का मुंह बंद कर दिया जाता था। प्रदेश सरकार को सत्ता के अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रही। 2017 के बाद माफिया एक एक करके चले गए। यूपी माफिया मुक्त हो गया। अब अभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा रहे हैं। इस दौरान सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर अखिलेश के बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया। उन्होंने अखिलेश का बिना नाम लिए कहा कि जब कोई माफिया या डकैत पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा जाता है तो ये लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर डकैतों ने किसी ग्राहक को मार दिया होता तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसा करती है? वहाँ किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति मर सकता था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार के समय गुंडों को खास जगह मिलती थी। तब जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा ओहदा मिलता था। उनको नहीं पता था कि गुंडे माफिया यमलोक के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। 2017 से पहले पुलिस भागती लेकिन अब पुलिस उन्हें दौड़ा रही है। तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है और साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि गिरोह के लोगों को यदि परेशानी होगी तो गिरोह के सरगना को तो दर्द होगा ही। यह वह लोग हैं जो गलती करते हैं मगर स्वीकार नहीं करते। इसके लिए पहले इनको फुटेज दिखानी पड़ती है तब जाकर ये मानते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।